हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल कंस्ट्रक्शन सिविलियन पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक क्वेश्चन है जो कि मैकेनिक्स का एक क्वेश्चन है, दिया हुआ है। ए ब्रास बार हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 500 mm इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल फोर्स एज शोन इन फिगर 2.8। मतलब ये 2.8 का फिगर है। फाइंड द टोटल इलोंगेशन ऑफ बार टेक ई इक्वल टू 80 GPa। मतलब ई मतलब इलोंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ना। तो इसका जो यहाँ पे दिया हुआ है डायग्राम, पहले तो हम क्या करेंगे ना, इसको हम 3 भाग पे डिवाइड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे दो है ए बी से लेकर एक भाग, एंड दूसरा जो है बी सी, एंड तीसरा सी डी। तो यहाँ पे हम करेंगे, पहले हम सी डी को ले लेते हैं। यहाँ पे हम पहले सी डी को लेंगे है ना। यहाँ पे एक फोर्स देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है 30 kN आया है, जो कि हमारा कंप्रेसिव फोर्स है। तो यहाँ पे हम फोर्स देंगे, ये हो जाएगा 30 kN। तो ये वाला भी हो जाएगा हमारा 30 kN है ना, ये हमारा कंप्रेसिव फोर्स। फिर इसको हम ना दे देंगे हमारा सी डी। सी डी ना देने के बाद यहाँ से देख सकते हैं बी से लेकर सी तक दूसरा और एक बनाएंगे हम। यहाँ पे एक इतना है ना हमारा 30 है, ये फोर्स किधर इधर जा रहा है ना, तो 50 - 30 इतना होगा हमारा, 20 हो जाएगा। फोर्स इधर जा रहा है मतलब टेंसल फोर्स, ये हो जाएगा हमारा 20 kN। ये वाला भी हमारा हो जाएगा 20 kN, ना हो जाएगा हमारा बी सी। अभी इसका है ना, इसका क्या करेंगे ना, हम ना दे देंगे हम इसको ए बी। यहाँ पे देख सकते हैं जो ये वाला पार्ट है इधर का 80 है ना, 80 है, 80 + 50 कितना हुआ 130 माइनस 30 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये वाला हो जाएगा हमारा 100 kN, इधर भी हो जाएगा हमारा 100 kN। उसका बाद हम क्या करेंगे ना, उसका डाटा को लिख देंगे, जितना भी यहाँ पे लिखा है कितना, इसका एरिया क्या है, लेंथ क्या है, इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम गिवन डाटा एरिया। यहाँ पे देख सकते हैं एरिया दिया हुआ है 500 mm², तो यहाँ पे हो जाएगा 500 mm² है ना। यहाँ पे दिया हुआ है ई इक्वल टू 80 GPa, तो ये हो जाएगा E इक्वल टू 80 GPa। एक गीगा पास्कल पे है, तो इसको हम मेगा पास्कल पे कैसे करेंगे ना, 80 × 10³ N/mm² हो जाएगा ना। इसका जो फॉर्मूला होगा ये होगा हमारा टोटल इलोंगेशन डेल्टा L है ना, डेल्टा L इक्वल टू P1 A1 / AE प्लस P2 L2 / AE माइनस P3 L3 / AE। इसको हम अभी अप्लाई करेंगे। तो पहला यहाँ पे क्या होगा ना, P1 मतलब AB का P1 A1 L1, P2 L2 कौन सा होगा ना B1, ये वाला होगा P3 L3 जो है ये वाला होगा। तो P मतलब हमारा जो फोर्स कितना है हमारा, यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे 100 kN पे है, तो इसको हम लिखेंगे 100 × 10³ इंटू लेंथ हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी मैं लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पे दिया है 500, तो यहाँ पे हो जाएगा 500 mm, यहाँ पे हो जाएगा 1000 mm, यहाँ पे हो जाएगा ये वाला है ना, ये वाला दिया हुआ है 500, तो यहाँ पे आ जाएगा 500 / एरिया दिया हुआ है 500 mm², तो हम लिख देंगे यहाँ पे 500 × E मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये वाला, तो 80 × 10³ प्लस उसके बाद P2 कितना है हमारा 20 है, ये वाला 20
20 इंटू 10^3 इंटू लेंथ दिया हुआ है 1000, तो यहाँ पे लिख देंगे 1000 बाय एरिया, सेम आ जाएगा एरिया ये हमारा सेम आ जाएगा है ना, 500 इंटू 80 इंटू 10^3। यहाँ पे देख सकते हैं माइनस दिया हुआ है, फॉर्मूला जो अप्लाई किए हैं तो आ जाएगा हमारा माइनस P3 हमारा है, हमारा 30 है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 30 इंटू 10^3 इंटू हमारा जो लेंथ है 1200 है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1200 बाय एरिया अन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम है, तो यहाँ पे 500 इंटू 80 इंटू 10^3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1.25 आ जाएगा, फिर प्लस दिया हुआ है प्लस साइन, फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.5, फिर माइनस दिया हुआ है यहाँ पे, तो माइनस इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.9। उसके बाद इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.85 है ना, एमएम पे आ जाएगा, इसका आंसर यही है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना।